रायबरेली में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि रायबरेली के साथ हमारा 100 साल पुराना रिश्ता है। कुछ दिन पहले जब मैं अपनी माँ के साथ बैठा था, मैंने उनसे कहा था कि मैंने एक वीडियो में कहा था कि मेरी दो माँ है, सोनिया और इंदिरा। मेरी माँ को यह पसंद नहीं था, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि माँ ही होती है जो बच्चे को रास्ता दिखाती है और उसकी रक्षा भी करती है। मेरी माँ और पूर्व पीएम इंदिरा दोनों ने मेरे लिए ऐसा ही किया। यह मेरी दोनों माताओं की कर्मभूमि है। यही कारण है कि मैं हमारे देश के इतिहास में पहली बार भाजपा आरएसएस के लोगों से चुनाव लड़ने आया हूं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं वादा करता हूं कि अगर कांग्रेस भारत गठबंधन केंद्र में सत्ता में आता है, मेरा पहला काम गरीबों किसानों का कर्ज माफ करना होगा। और मैंने उनसे कहा, मैंने उन सारे के सारे किसानों से कहा, भाई मैं आपको एक वायदा करता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी की इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो आपका कर्जा माफ करना मेरा पहला काम होगा। और यही मैं आपको कहना चाह रहा हूं, पहला काम किसानों के लिए कर्जा माफी, सारे के सारे गरीब किसानों का कर्जा माफ।